Assalamualaikum, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ हमाद 946 एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो ऑफ फ्रेंड यूट्यूब सीरीज। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे और डिटेल देखेंगे कि यूट्यूब का कवर एंड लोगो हम किस तरह से पुट आउट कर सकते हैं अपने चैनल पे। अब बहुत सारे लोग जो होते हैं वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अब उन्हें सही कवर फोटो साइज जो है वो पता नहीं होता, तो वो पूरे उस पर मतलब कि पूरे डायमेंशन पे अपना कवर फ़ोटो बना लेते हैं, और जब कवर फ़ोटो लगाते हैं तो बहुत बड़ा या फिर आउट ऑफ जो कवर फ़ोटो होता है यूट्यूब का ऑफिशियल साइज़, उसमें से ज़्यादा हो जाता है और बाहर निकलने लगता है। तो आज हम लोग ये तरीका देखेंगे और प्रॉपर हम लोग इस चीज़ को देखें कौन सी डायमेंशन होती है, किस डायमेंशन में हमें काम करना पड़ता है, और पूरी ओवरऑल कवर फोटो की डायमेंशन क्या होती है और लोगों की डायमेंशन कितनी होती है। तो विदाउट एनी फर्दर डू चलते हैं अपने लैपटॉप की तरफ। अभी हम लोग अपने चैनल पे आ चुके हैं और यहाँ पर कोई लोगो वगैरह कुछ भी यहाँ पर अपलोड अभी नहीं है, तो अभी हम लोग लोगों एंड जो कवर फोटो है कवर साइजेस हैं वो भी देखेंगे कि क्या होते हैं और किस तरह से और किस डायमेंशन में हमें ये चीज़ बनानी पड़ती है, अपने कवर जो कवर फोटो का डिज़ाइन है वो बनाना पड़ता है। तो पहले हम लोग ज़रा लोगों को देख लेते हैं कि लोगों कैसे हम लोग पुट आउट करेंगे। लोगों का मैं आपको बता दूं कि लोगों की कोई भी डायमेंशन हो चल जाती है, बट ऑफिशियल लोगों की जो डायमेंशन है यहाँ पर 800x800 जो है ऑफिशियल यूट्यूब की लोगो डायमेंशन हैं। बट लोगों का ये होता है आपकी कोई भी डायमेंशन हो, HD क्यों ना हो, वो लोगों वहाँ पर आप लगा के इसको क्रॉप कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो पहले हम लोग लोगो लगा लेते हैं और आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हमारा लोगो लगता है। आप जैसे ही लोगो वाली जगह पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा। देन आप यहाँ पर अपना लोगो अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपना लोगो अपलोड कर लिया है और यहाँ पर ये जो डायमेंशंस हैं इस लोगो की ये फुल HD हैं, लाइक 1920x1080 पिक्सल्स में ये लोगो मैंने डिज़ाइन किया है और ख़ुद किया है। और आप कोई भी यहाँ पर डायमेंशन अपलोड कर सकते हैं, और जैसे ही इसको आपने थोड़ा क्रॉप करना हुआ तो आप क्रॉप भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो मैं इसको थोड़ा सा क्रॉप करूँगा यहाँ पर और इसको यहाँ पर डन कर दूँगा और हमारा लोगो यहाँ पर आ गया। अब सवाल पैदा होता है कि हम लोग लोगो कैसे बनाएंगे, तो आपको यहाँ पर मैं एक वेबसाइट भी बता देता हूँ कि कौन सी वेबसाइट पर आप कैसे लोगो बना सकते हैं। तो आपने सिंपली गूगल पर आना है, गूगल पर आने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है फ्री YouTube लोगो मेकर जो कि आ चुका है। तो आप जैसे यहाँ पर करेंगे तो आपके पास सबसे पहले यहाँ पर एड्स आ रहे होंगे, तो एड्स को अगर आपने चलाना है तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर और भी काफ़ी सारे यहाँ पर वेबसाइट्स आ रही हैं तो आप वहाँ पर भी कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर canva.com पे लेके जाऊँगा क्योंकि Canva जो है ये आपको एक तो फ्री और अच्छी लोगो जो है वो प्रोवाइड करती है। अगर आपने साइन अप या लॉग इन नहीं किया तो आप कर लें, क्योंकि मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ कि आप अपना लोगो कैसे बना सकते हैं और किस तरह से बना सकते हैं। तो ये कुछ आइडिया आपको दे रहा हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लोगो वगैरह बना सकते हैं यहाँ पर आके। अब यहाँ पर एनिमेटेड लोगो भी हैं और जो भी आपको लोगो चाहिए, चाहे जिस भी टाइप का आपको लोगो चाहिए हो तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर टैग सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर टैग आ जाते हैं और यहाँ पर मुझे टैग के सारे लोगोस दिखाई देने लगते हैं। और मैं यहाँ पर ये तो आई थिंक वीडियो है तो मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर एक सिंपल सा लोगो जो है इसको यहाँ पर ले आता हूँ और इसको थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ आपको बताने के लिए किस तरह से यहाँ पर एडिट किया जाता है। तो यहाँ पर ये आ गया हमारा लोगो। अब यहाँ पर आप सिंपली यहाँ पर कुछ भी अपना नाम या कुछ भी, आप यहाँ पर और भी काफ़ी ज़्यादा लोगो आ रहे हैं तो आप कुछ भी यहाँ पर आके अपने लोगो को चेंज वगैरह कर सकें, जैसा भी आपको चाहिए तो कुछ भी यहाँ पर आप आके चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको मैं आगे लेके जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर ये जो हमारा है ये ऑलरेडी आया हुआ है, और इस तरह से आप यहाँ पर आके अपने लोगों को सेटअप कर सकते हैं। क्योंकि मुझे अब इसको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करने, इस वजह से कि आप यहाँ पर आएँ और ख़ुद इस चीज़ को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करें, और डिफरेंट काइंड ऑफ जो चीज़ें यहाँ पर बैकग्राउंड एलिमेंट्स, फ़ोटो अपलोड्स, टेम्पलेट्स, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ें हैं, इनको आप यहाँ पर आके इम्प्लीमेंट करें और अपना लोगो बहुत अच्छा सा क्रिएट करें। लोगो क्रिएट करने के बाद सिंपली आप यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ से डाउनलोड कर लें और अपना लोगो आपका हो जाएगा रेडी। एंड अपलोड कैसे करना है मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। यहाँ पर जाके आप सिंपली यहाँ पर अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद आपने यहाँ पर पब्लिश कर देना और आपका लोगो हो जाएगा पब्लिश। तो मैं इसको एक बार रीलोड करके आपको दिखा देता हूँ कि हमारा लोगो यहाँ पर
आ चुका है और हमारा लोगो यहाँ पर आपके सामने बिल्कुल आ चुका है। अब हम लोग ये देखते हैं कि YouTube के कवर साइज़, कवर फोटो जो हमारा होता है उसका क्या साइज़ होता है, उसकी डायमेंशन कितनी होती हैं। और बहुत से लोग जो होते हैं उन्हें ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है क्योंकि उन्हें डायमेंशन का पता नहीं होता। वो 1920x1080 या फिर 1080x720 जो पिक्सल में आ रहे होते हैं वही फुल पे बना के उसके अपलोड कर रहे होते हैं। बट यहाँ पर समझने की बात यह है कि इनकी YouTube की एक डायमेंशन होती है, उस डायमेंशन के अंदर आपने अपना जो कवर होता है वो डिज़ाइन करना होता है। तो क्या है कवर फोटो का साइज़, अभी हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो ऑफिशियल साइज़ YouTube की तरफ से हमें दिया गया है, गिवन दिया गया है, वो 2550x1440। तो अब ये पूरा जब आप अगर ज़्यादातर जो फोटोशॉप पे, मैं खुद भी फोटोशॉप पे बनाता हूँ, फोटोशॉप पे अगर हम लोग ये बनाते हैं तो हमें यहाँ पर ये फुल डायमेंशन लिखनी होती है। और डायमेंशन लिखने के बाद हमें कुछ इस तरह का फुल डायमेंशन में आ जाता है। तो अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि जो टेक्स्ट एंड लोगो सेफ एरिया जो है ना, यहाँ पर हमारा जो कवर फोटो है वो हमें यहाँ पर लगाना होता है ताकि हमारा जो लोगो है वो हमें अच्छी तरह शो आउट हो। अब यहाँ पर टैबलेट एंड डेस्कटॉप मैक्स, मतलब कि यहाँ पर जो डेस्कटॉप मैक्स एंड टैबलेट का जो आ रहा है ये हमें अपने लैपटॉप पे शो आउट होता है। ये जो साइट्स होती हैं ये हमें अपने लैपटॉप पे और पीसी वगैरह पे शो होती हैं क्योंकि हम लोग एक पूरा चैनल वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। जब मोबाइल पे हम लोग जाते हैं तो टेक्स्ट एंड लोगो सेफ एरिया यहाँ पर 1546x423 पे हम लोगों को डिज़ाइन करना होता है। तो अभी हम लोग फोटोशॉप पे भी चले जाते हैं और वहाँ पर मैं ये आपको बता देता हूँ कि किस तरह से होता है। अगर आप फोटोशॉप बना सकते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा हो गया, आप खुद के लिए अच्छा सा कवर फोटो डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते वो भी मैं बताता हूँ आपको आगे जाकर इसी वीडियो में कि किस तरह से आप अपना कवर फोटो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अभी फोटोशॉप वालों के लिए, अगर फोटोशॉप जो कि कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप या एक्स्ट्रा का इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर कोई भी यूज़ करता है या जिसको आता है, ये उनके लिए है। यहाँ पर हमारे पास ये सेफ एरिया, इसको हम लोग कहते हैं, तो हमारे पास सेफ एरिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक पिक्चर भी अपलोड की है जो कि मैंने फेसबुक के लिए बनाई थी, फेसबुक के लिए डिज़ाइन की थी। तो अब हमने क्या करना है कि जो हमारा लोगो है इसको हमने सेफ एरिया के अंदर अंदर लेकर आना है। तो हम इसको यहाँ पर अंदर वाले एरिया में रखते हैं, थोड़ी ओपेसिटी करते हैं डाउन, क्योंकि हमें पता चल रहा होगा कि हमारा जो बैक पे आ रहा है हमारा लोगो, हम लोग सही भी हैं या नहीं। उसके बाद हमने यहाँ पर, अभी जस्ट आपको समझाने के लिए मैं जस्ट यहाँ पर कुछ ना कुछ ड्रॉ कर देता हूँ, रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ ताकि हमारा जो लोगो है वो यहाँ पर बिल्कुल इस कलर का ड्रॉ हो जाए और पता ना चले कि ये जो हम लोगों ने बनाया है ये क्या इसी के मतलब कि इसी के कलर का आ रहा है या फिर सेपरेट है। तो हमें इन दोनों कलर्स को मैच कर देना है। तो यहाँ से वीडियो ज़रा मैं फॉरवर्ड कर दूंगा क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ थोड़ी चेंजेस करनी है और चेंजेस करते करते आप भी बोर हो जाएंगे, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको फॉरवर्ड कर दूंगा यहाँ से। अब यहाँ पर हमने अपना ये लोगो सेव कर लिया है बना के, जस्ट सिंपल मैंने इसको एक फुल एक प्रीव्यू दिया है कि हमें कुछ अच्छा सा यहाँ पर लगे। अब जो मोबाइल पे शो आउट होगा हमारा ये लोकल दरमियान में ये चीज़ हमारी शो आउट होगी। अगर साइडों पर आपने टेक्स्ट वगैरह कुछ लिखना है तो आप इजीली यहाँ पर अपनी मर्ज़ी का कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन वगैरह आप यहाँ पर बना सकते हैं। लाइक इस एरिया पर आप कुछ भी अच्छा सा लुक अप दे सकते हैं इसको मज़ीद। बट अभी जस्ट मैं आपको समझाने के लिए मैंने आपको ये क्रिएट करके बताया और अब हम लोग इसको अपलोड करते हैं अपने YouTube चैनल पर। तो अब यहाँ पर मैं आता हूँ, अपलोड करता हूँ इसको। तो अब इसको मैं यहाँ पर जैसे ही अपलोड करता हूँ तो मेरे पास ये अवेलेबल आ गया है साइज़ के, आपको कौन सा एरिया किस तरह से अपलोड करना है। तो मैं इसको क्रॉप भी कर सकता हूँ यहाँ पर इस तरह से और इसको मज़ीद भी बढ़ा सकता हूँ क्योंकि मेरा एरिया जो है मैंने ऑलरेडी पूरा रखा था और इस वजह से इसको मैं फुल यहाँ पर लेकर जाऊँगा और थोड़ा सा इसको यहाँ पर देख लूँगा एंड इसको मैं थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पर एडजस्ट करूँगा। एडजस्ट करने के बाद इसको मैं सिंपली यहाँ पर इसको डन कर दूँगा और हमारा जो कवर फ़ोटो है वो भी
पूरे हमारे कवर पे इजीली और फुल बाय फुल हमें यहाँ पर शो आउट होने लग गया है। तो यहाँ पर हमारा जो हमारा लोगो एंड कवर फोटो है बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर आ चुका है। तो मैंने पहले भी आपको यहाँ पर बताया था कि अगर आपने कुछ टेक्स्ट वगैरह यहाँ पर इंक्लूड करना है तो आप इस एरिया पर या फिर इस एरिया पर टेक्स्ट इंक्लूड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए अभी जस्ट ये क्रिएट किया और ये फ़ोटोशॉप वालों के लिए था। अब हम लोग देखते हैं कि जो जिसको फ़ोटोशॉप या ग्राफिक का कुछ टूल वगैरह नहीं आता, कोई सॉफ्टवेयर नहीं आता, तो वो कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं अपने लिए। तो उनके लिए कस्टम जो थंबनेल वगैरह और कस्टम कवर फोटो जो हैं वो सारे अवेलेबल होते हैं। तो हम सिंपली यहाँ पर जाते हैं एंड यहाँ पर लिखते हैं फ्री YouTube लोगो है, इसको हम लोग चेंज करते हैं फ्री YouTube कवर। तो हम लोग कवर यहाँ पर लिखते हैं तो अगेन canva.com आ चुका है। तो यहाँ पर दोबारा से आप आएंगे, इसको क्लिक करेंगे, साइन अप या लॉग इन अगर करना है तो आप कर लें। तो यहाँ पर आप जैसे ही आएंगे तो दोबारा से आपके पास यहाँ पर कस्टम थंबनेल जो कि जस्ट आपको री एडिट करने हैं आप यहाँ से ईजिली कर सकते हैं। तो अब फिर से यहाँ पर काफ़ी डिफरेंट टाइप के यहाँ पर आ रहे हैं, आपको जो भी जैसा भी आपको अपनी आपकी YouTube की कैटेगरी है, चाहे म्यूज़िक की है, चाहे टेक की है, चाहे वॉइस ओवर की, चाहे जो भी है, वो आप यहाँ पर इजीली टाइप कर सकते हैं और आपके पास वो थंबनेल वगैरह जो कवर फोटो जो भी है वो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम लोग ज़रा री एडिट कर लिया। फिर हम लोग अपना जो क्लॉथिंग का है तो हम लोग क्लॉथिंग में ही चले जाते हैं, CLO तो हमने यहाँ पर क्लॉथिंग का एक ग्राफिक जो हमारे टेम्पलेट है वो सिलेक्ट कर लिया है एंड हम लोग जस्ट इसको यहाँ पर री एडिट करने वाले हैं। हमने और किसी भी चीज़ को कुछ भी नहीं छेड़ना। तो यहाँ पर मैं लोकल कर लेता हूँ लिविंग फॉर ऑल, बस ठीक है, ये मुझे ज़्यादा इसमें चेंजिंग्स नहीं करनी। बट अगर आपको चेंजिंग्स करनी है आप यहाँ पर इजीली फ़ोटो यहाँ पर एलिमेंट्स टेक्स्ट म्यूज़िक तो खैर वीडियोस के लिए होते हैं अपलोड, मतलब आपको यहाँ पर थोड़ी रिसर्च करनी है इसके ऊपर और रिसर्च करने के बाद आप बहुत इजीली अपना जो आपका जो कवर फ़ोटो होगा वो बनाकर इसको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर आप इजीली आकर बना सकते हैं अपना कवर फ़ोटो, आपको यहाँ पर साइजेस का कोई प्रॉब्लम कोई इशू नहीं होने वाला। यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी जो आपके मतलब के कवर फ़ोटो बने हुए हैं आप यहाँ पर सिंपली अपलोड कर सकते हैं, सिंपली आप यहाँ पर आके इसको रीडिज़ाइन करके इसको अपने लिए अपने चैनल के लिए इजीली बना सकते हैं बिना कोई डायमेंशन देखे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी सारे डायमेंशन प्रीसेट किए गए होते हैं, जिस तरह से ये डायमेंशन हमारे पास ऑलरेडी सिलेक्टेड है और हमें इसको ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको सिंपली आप यहाँ पर बनाएं, डाउनलोड करें और अपने चैनल पे इजीली अपलोड कर सकते हैं। ये थी आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो और इसमें मैं आपको हर चीज़ मैंने आपको डिटेल बताई कि किस तरह से आप डायमेंशन का ख्याल रखते हैं और किस तरह से लोगों के कलर होते हैं और किस तरह से लोगों के डायमेंशन होते हैं और एस्टीमेट भी कर सकते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि हम लोग कवर फ़ोटो को किस तरह से अपने चैनल पर अच्छा पुट आउट कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके थे और वो मैंने दो तरीके बताए, इनके लिए भी था जो कि फ़ोटोशॉप या सॉफ्टवेयर किसी को आता है डिज़ाइनिंग का वो भी कर सकते हैं और जिसको नहीं आता वो भी डिज़ाइन कर सकते हैं इजीली। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।